हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आज आपके लिए मैं महारानी स्टाइल को परफेक्टली और काफ़ी डिटेल्स में ड्रेप करने की ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिया है कटन सिल्क की साड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही इस तरीके के स्टाइल्स में यूज़ की जाती हैं। और इसको आपको पहले तो एक बेसिक राउंड देना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कटन सिल्क की जो बॉर्डर्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा हेवी होती हैं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा ही ये थिक होती हैं और ये जड़ी वाली होती हैं। तो इस वजह से इनको जब भी आप टक करोगे तो आप अंगूठे का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो अंदर की तरफ जब ये जाती हैं तो ये ज़्यादा फुली हुई ना रहें, वरना आपका जो कमर रहेगा वो हो सकता है दो गुना दिख सके। अब इसके बाद हमें जाना है इसकी एंड पार्ट पे, और इसकी एंड पार्ट होगी पल्लू वाली पार्ट। यहाँ पे प्लेट्स बनाने के लिए आप ये वाली ही ट्रिक यूज़ कीजिए, क्योंकि इसका पल्ला थोड़ा सा हेवी है, जिसकी वजह से हम कोई दूसरी ट्रिक यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको जितनी भी चौड़ी प्लेट्स रखना पसंद है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से उनको चौड़ा कर सकते हो। ऐसे प्लेट्स बनाते हुए मान लीजिए अगर कोई भी पीछे की प्लेट आकर अगर चौड़ी हो गई है, तो आप बस एक ही काम कीजिए कि आपका जो पहला वाला प्लेट था उसको आप ज़्यादा चौड़ा कर दीजिए, ताकि पीछे की कोई भी प्लेट पहले प्लेट से ज़्यादा चौड़ी ना हो, वरना वो किनारों से पता लग सकती है, जिसके वजह से आपका ये पार्ट मेसी हो सकता है। अब जहाँ पे हमने पकड़ा है, बीच बीच में हम होल्डर लगा देंगे। ये होल्डर जो है इसको पेग बोलते हैं, और जब कपड़ा सुखाते हैं हम सनलाइट में तो उस टाइम हम ये पेग यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये जड़ी वाली है इसका पल्लू वाला पार्ट, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि ये अच्छी तरीके से अपनी जगह पे बैठ जाएं। तो बस हमें अपने हाथों से इनको थोड़ा सा मरोड़ना है। तो ऐसे तो जब आप पहन रहे हो, मान लो कि आपको जल्दी में कहीं जाना है और आपको महारानी स्टाइल कैरी करना है, तो फिर आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कोई शादी फंक्शन है, तो फिर एक क्लोथिंग सेटिंग स्प्रे आती है, जिसको कि आप यूज़ करके ऐसी साड़ियों को परमानेंटली इनके प्लेट्स को सेट कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं केवल इनका इस तरीके से बॉक्स बनाऊँगी फोल्ड करते हुए, और अपने हाथों से ही इनको प्रेस कर दूँगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे पल्लू को घुमाना नहीं है, क्योंकि ये महारानी स्टाइल है, रेगुलर स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे सामने की तरफ से ही हमें अपने पल्लू को लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डालना है, और पल्लू की लेंथ होगी पीछे की तरफ बिल्कुल फ्लोर टच। तो आप देख सकते हो बिल्कुल लंबी पल्लू है। और अब जब भी आप ऐसी पल्लू में पिन लगाने वाले रहो, तो ठीक पिन को आप अपनी शोल्डर से थोड़ा सा पीछे की तरफ लगाइए, या फिर आपका हाथ पीछे की तरफ जितने दूर तक जाता है उतनी दूर तक आप अपनी इस पिन को लगा सकते हो। तो मेरे हाथ कुछ इसी यहीं तक ही पहुंचते हैं, तो मैं यहाँ पे ही पिन लगाऊंगी। और अगर आप चाहते हो आपका फैब्रिक पिन लगाने से ख़राब ना हो, तो पिन में एक मोती डाल दीजिए। अब चलिए सामने के भी प्लेट्स हम सेट कर लेते हैं। तो सामने के प्लेट्स भी अभी हम जल्दी जल्दी से सेट करेंगे। और यहाँ पे भी रेगुलर साड़ी में जैसे हम करते हैं सामने की प्लेट्स को, जैसे कि राइट की फर्स्ट प्लेट को हम ज़्यादा चौड़े करते हैं, तो इसमें भी आपको करना ही होगा, ताकि सामने की जो प्लेट्स हैं वो एक ही जगह पे रहें और अच्छी तरीके से लेफ्ट की तरफ मुड़ी रहें। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि हर एक प्लेट्स के बीच में एक समान गैप्स रख रही हूँ। ये गैप ही जो है वो किसी भी प्लेट को अंदर की तरफ छिपने नहीं देता। अब देख लीजिए, नीचे की तरफ हमें अपने बेसिक राउंड से अपने प्लेट की लेंथ को मैच करना है, और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ जा रहा है फैब्रिक, वहाँ पे हाथ रखकर हम अंदर की तरफ इनको टक कर देंगे। अच्छी तरीके से टक कीजिए, वरना ये पेट के पास जाकर फूल जाएगी। ये बस थोड़ी सी ही एक्स्ट्रा फैब्रिक बची है, जिसको बस हमें टक कर देना है और कुछ नहीं। तो इतना जब हमारा हो जाता है, तो अब बारी आती है पीछे के पल्लू लेंथ की। तो इसको हमें ऐसे घुमाकर सामने की तरफ लाना है राइट साइड से, और ये जो पेक्स है इसको मैं निकाल दूंगी, क्योंकि इसका काम अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो ये जो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपने पल्लू की लेंथ को प्लेट में सेट करना है।
और देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि मैंने कई तरीके से महारानी स्टाइल को ड्रेप किया है, तो मेरे साथ भी ऐसे प्रॉब्लम होती है कि पीछे जो प्लेट बनती है ना, ये जब एक बार हम पिन लगा देते हैं तो सामने की तरफ से वो दिखती है, तो इसको हम अंदर की तरफ ऐसे दबा देंगे और ऐसे दबा कर हम ठीक अपने कॉर्नर पे एक पिन लगाएंगे। और मैंने आपको बताया ही है, अगर आप चाहते हो कि आपका साड़ी और ब्लाउज़ ख़राब ना हो तो पिन में एक छोटी सी मोती डाल दीजिए, या फिर आप बिंदी का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी प्लेट जिस साइड जा रही हैं उसी तरफ ही हम इनको मूव करेंगे, और पीछे की तरफ स्ट्रेटली इनको ले जाते हुए ठीक इस जगह पे हम एक पिन लगा देंगे। हालांकि मैं समझ सकती हूँ आप में से किसी का भी हाथ यहाँ नहीं पहुँचने वाला, तो आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। मैंने भी हेल्प ली थी अपनी मम्मी की। अब यहाँ पे जो भी प्लेट्स जिस साइड की तरफ जा रही हैं बस उसी तरफ करते हुए इनको उनकी जगह पे प्लेस कर दीजिए। पेक्स हटा दीजिए, जो भी प्लेट्स इधर उधर जा रही हैं इनको फैला दीजिए, और लास्ट में अगर मान लीजिए आपके पास ब्रूच है तो आप ऊपर की तरफ अपने ठीक लेफ्ट साइड की शोल्डर के नीचे जहाँ पे हमने पल्लू वाला पार्ट पिन किया था वहाँ पे आप ब्रूच का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वेस्ट बेल्ट की, तो मैं यहाँ पे काफ़ी हेवी बेल्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी हेवी साड़ी था। और लीजिए हमारा महारानी स्टाइल कंप्लीट है। सो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप में से जिन लोगों को भी महारानी स्टाइल नहीं आता था पहनने, अब आप पहन सकोगे। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़ सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ को लेकर तो आप उसके बारे में मुझे कॉमेंट कर सकते हो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।